हेलो एवरीवन, मैं श्याम और आप देख रहे हैं श्याम फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स। आप गूगल के द्वारा एक देश की करेंसी का मूल्य दूसरे देश की करेंसी में जान सकते हैं। इसके लिए बस गूगल के सर्च बार में करेंसी 1 टू करेंसी 2 लिखकर सर्च करें। ऐसा करते ही गूगल का करेंसी कन्वर्टर टूल खुल जाएगा। यहाँ पर आप किन्हीं भी दो देशों की मुद्रा की तुलना कर सकते हैं, जैसे रुपी टू डॉलर। ये सर्च करते ही आप दोनों देशों की मुद्रा की प्राइस को जान सकते हैं। यदि आप किसी शब्द का परिभाषा ज्ञात करना चाहते हैं तो गूगल पर उस शब्द के साथ डिफाइन उपयोग करने पर आप उस शब्द का परिभाषा जान सकते हैं। गूगल इस कार्य के लिए डिक्शनरी टूल का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर का परिभाषा जानना है तो आपको लिखना होगा डिफाइन कॉलन कंप्यूटर। ये सर्च मारते ही आपके सामने कंप्यूटर की पूरी परिभाषा आपके सामने आ जाएगी, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। यदि आप किन्हीं दो जगहों के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें गूगल अपनी मदद कर सकता है और आपको रास्ता भी बता सकते हैं। आप दो जगहों के बीच दूरी जानने के लिए डिस्टेंस बिटवीन वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई के बीच दूरी ज्ञात करना है तो आप गूगल के सर्च बार में कुछ इस तरह लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। इस तरह लिखने के बाद आप सर्च कीजिए, आपके सामने दोनों शहरों के बीच की दूरी आ जाएगी। साथ में आपको जाने में लगने वाला समय और रास्ता भी दिखाया जाएगा। दोस्तों, इस तरह हम दो जगहों के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। जैसा आपका नाम होता है, इसी तरह आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन का भी एक नाम होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। आप आसानी से अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। आईपी एड्रेस जानने के लिए गूगल के सर्च बार में व्हाट इज माई आईपी लिखकर सर्च कीजिए। ऐसा करते ही आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आ जाएगा। यदि आप किसी अनजान शहर में हैं और अपने लिए कोई होटल ढूंढ रहे हैं तो गूगल के नियरमी फीचर का यूज करके आप आसपास मौजूद होटल को तलाश सकते हैं, जैसे होटल नियरमी। ऐसा लिख कर सर्च करने पर आपके लोकेशन के आधार पर जो सबसे नज़दीक होटल होगा वो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस फीचर से आप होटल ही नहीं, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एटीएम आदि काम की जगह भी ढूंढ सकते हैं। यदि आप अपनी फेवरेट वेबसाइट की जैसी और भी वेबसाइट ढूंढना चाहते हैं तो गूगल इस कार्य में आपकी मदद कर सकता है और आपका कीमती समय भी बचा सकता है। मान लो हम न्यूज़ से संबंधित कोई वेबसाइट जैसे aajtak.com के जैसी और भी वेबसाइट पता लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप रिलेटेड कमांड का उपयोग कर सकते हैं। आपको सर्च बार में लिखना होगा related:aajtak.com। जब आप इस वाक्य को सर्च करेंगे तो आपको आजतक जैसी और भी साइट दिखाई देंगी। यदि आप किसी विषय संबंधित जानकारी के लिए PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गूगल के फाइल टाइप सर्च फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके द्वारा आप न सिर्फ PDF बल्कि अन्य फाइल फॉर्मेट में भी दस्तावेज सर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं आप अपना लोन माफ कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लोन फॉरगिवनेस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको इस तरह लिख कर सर्च करें, फाइल टाइप कॉलन PDF लोन फॉरगिवनेस एप्लीकेशन। इसको सर्च करते ही आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन से रिलेटेड PDF की बहुत सारी लिंक खुल जाएगी। यहाँ से आप किसी भी PDF को डायरेक्ट वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी कार्य को करने के लिए सीमित समय है या फिर आप दौड़ रहे हैं, ऐसे कार्यों के लिए आप गूगल में समय लगा सकते हैं। गूगल में टाइमर लिखकर सर्च करने पर गूगल में ऑनलाइन टाइमर ओपन हो जाता है, जिसके द्वारा आप स्टॉपवॉच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप कोई दूसरी भाषा में अपने शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रांसलेट वाक्य टू भाषा इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हाउ आर यू का अर्थ स्पेनिश में जानना है तो आप लिखेंगे हाउ आर यू टू स्पेनिश। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग स्पेनिश में आ गया है। वैसे ही आप अगर इसका हिंदी में जानना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हाउ आर यू टू हिंदी, आपको हिंदी में इसका अर्थ मिल जाएगा। गूगल के द्वारा आप यूनिट भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए गूगल फ्री यूनिट कन्वर्टर उपलब्ध करवाता है। गूगल के यूनिट कन्वर्टर का इस्तेमाल करने के लिए सर्च बार में यूनिट कन्वर्टर क्लिक कर सर्च कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बोनस स्टेज का। दोस्तों, जब भी आप कॉल मिलाते हो तो उसके पहले आपको कोरोना का टोल सुनाई देता है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों, जब भी आप कॉल मिलाओ तो उसके जैसे कोरोना टोल शुरू हो तो आप वन प्रेस कर दो। वन प्रेस करते ही देखोगे आप दोस्तों कि आपका कॉल सीधे जाना शुरू हो जाएगा, कोरोना टोन नहीं बजेगा। सो सही से इससे आप अपने समय को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। इस चैनल पर डेली ऐसे ही यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें डेली अपडेट के लिए।